भाई साहब कल की सुबह कल 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 टेंशन लेंगे, आज का सांस ले ले, उसके बाद कल देखा जाएगा। चलो भाई साहब, ये सवाल करना है फटाफट फटाफट, सवाल दिया हुआ है, फटाक से करना है इसको। हो गया, डन डन डन। किस टाइप का बार ग्राफ है? ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। तो स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ सब डिवाइडेड। कल जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सब डिविजन है। देखो, सेविंग्स इन अप्रैल है और सेविंग्स इन मार्च है। तो हमने मार्च के सेविंग्स को व्हाइट से इंडिकेट किया है और शेडेड पोर्शन को बेसिकली आपके सेविंग्स इन अप्रैल से, ठीक है। स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ, सो व्हाट विल दिस बी बच्चा बाड़ी? टाइप ऑफ द ग्राफ इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ठीक है। ये हो गया आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ओके, हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल? तो वैशाली का भाई साहब मंथ ऑफ अप्रैल में कितना सेविंग्स है? देखो तो सेविंग्स इन अप्रैल, तो अप्रैल आपका भाई साहब ब्लू से, तो ये हो गया आपका 600, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे भाई साहब ₹600। हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल? तो सरोज का भाई साहब मार्च और अप्रैल मिलाकर कितना है? 800, है कि नहीं? ठीक है, देखो इसको टोटल सेविंग्स, अप्रैल में इतना, मार्च में इतना, तो भाई साहब टोटल मिलाकर कितना हो गया मार्च और अप्रैल में? 800। तो दिस विल बी ₹800। क्वेश्चन देखो क्या है, टोटल पूछा है। हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा? सविता का भाई साहब कितना है? ₹1,000, है ना, ₹1,000। और मेघा का कितना है भाई साहब? रुपीज इसको हाँ 500, यस करेक्ट, बीच में है तो ये 500 हो गया, ठीक है, ₹500। सो दिस विल बी इक्वल टू ₹500, ठीक है। हुज सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट? तो अप्रैल मतलब आपका हो गया ब्लू वाला, तो सबसे कम किसका दिख रहा है भाई साहब? ठीक है, मेघा का, ठीक है। सो इट इज जस्ट 200। सो दिस इज फॉर मेघा, विच इज हाउ मच? ₹200।
क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सिंपल सा है भाई साहब। ओके चलिए इसको अपने ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है फटाफट से। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज गिवन, ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डेटा। सब डिवाइडेड बार ग्राफ चाहिए भाई साहब, जल्दी से करना है। तब तक हम देखते हैं इसमें कहां पुल कर सकते हैं। हाँ क्या? अरे नहीं है भाई यहाँ पे, मेरे को मालूम है ना, ये नहीं। कौन सा? ये नहीं, नहीं ये ऐसा है। वेरी गुड। ये सब क्या है? तो अगर हमने वैसे अब ये ग्राफ ले लिया, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन फिफ्थ टू सिक्स स्टैंडर्ड इन इज गिवन, ठीक है, ड्रॉ सब डिवाइडेड बाय ग्राफ। तो आपका देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना दे रहा है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स 34 प्लस 17, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 11, 3 प्लस 1 4 51, 6 प्लस 4 10, 2 प्लस 1 3 1 4, 2 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, ये हो गया आपका 45। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 तक जा रहा है, 10 20 30 40 50, 50 रख देते हैं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसको 10 लिया 20 30 40 फिर 51 बाहर चला जाएगा, ठीक है। ओके सो अपन लेते हैं एक्स एक्सिस पे, लेट्स टेक एक्स एक्सिस पे भाई साहब, ये हो गया एक्स एक्सिस और भाई साहब ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और दिया हुई हुआ है, देखो स्केल दिया हुआ है आपको, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो यहां पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू भाई साहब वाई एक्सिस में स्केल क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका भाई साहब कितना, दिस इज 10 20 30 40 50, ठीक है, क्लियर है? ओके 5 6 7 8, तो आप भाई साहब यहां पे सीधा ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ स्टैंडर्ड। सब डिवाइडेड बार ग्राफ है ना, तो इस पूरे को आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, मतलब ये पूरा आपका हो गया भाई साहब फिफ्थ स्टैंडर्ड, ये पूरा आपका हो गया भाई साहब सिक्स स्टैंडर्ड, ये पूरा क्या हो गया सेवन स्टैंडर्ड, और ये हो गया आपका एट स्टैंडर्ड, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? तो इसको अपन क्या लिखेंगे, दिस वुड बी रिटन एज, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, सो लेट्स से ये हो गया आपके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, ये हो गया आपके स्टूडेंट्स, और ये क्या हो गया भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली स्टैंडर्ड, है ना, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, क्लियर है? ओके चलिए फटाफट से बनाते हैं भाई साहब, यहां पे 51 तक जाना है। अभी आपका यहां पे देखो 1 सेंटीमीटर मतलब एक बॉक्स का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है 10, ठीक है 1 मतलब 10, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब ये 10 20 30 40 50, ठीक है, तो हर एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्से हैं, ठीक है, एक में 10 बॉक्सेस हैं, इसका मतलब 51 कहां पे होगा, 51 भाई साहब बोलो ना, बोलो भाई साहब यहां पे 51 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका 51। चलिए भाई साहब ये हो गया आपका 51, दिस इज योर 51, ठीक है, क्लियर है?
फटाफट से लाइनें खींच ली जाए भाई साहब। ठीक है, ये हो गया आपका 51। आगे भाई साहब 40, तो 40 40 40 भाई साहब। ये हो गया 6th। ठीक है, फिर हो गया आपका 35। 35 मतलब ये हो गया 30 से 35 तक, तो यहाँ पे 31 32 33 34 35 31 32 30, तो यहाँ पे बीच में कहीं तो होगा ये। दिस विल बी बेसिकली 35। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड का कितना है भाई साहब? 45। तो 45 आपका यहाँ पे टोटल बीच में आ जाएगा। अब भाई साहब आपको यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स को अलग करना है, तो लेट्स से गर्ल्स का हमने पहले ले लिया अगर, या बॉयज का पहले लिया, 34 34 31 32 33 34। ठीक है 34, फिर है आपका 26, तो ये हो गया 10 20 21 22 20 24 25 26, देर आ गया आपका 26। ठीक है 26, फिर है आपका क्या 21, 21 इधर आ गया भाई साहब। ठीक है, और फिर क्या है भाई साहब आपका 25, वेरी गुड। ठीक है, अभी आप इसकी भाई साहब शेडिंग कर दो। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब इसका शेडिंग, तो लेट्स से हमने यहाँ पे भाई साहब ऐसा शेडिंग कर दिया। ठीक है, और इसमें भाई साहब कुछ बना दिया गोला गोला। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दो इंडिकेटर्स, तो आपका ये यार इतना बड़ा कलर सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने भाई साहब इसमें ऐसा गोला गोला बनाया हुआ है, तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स। ठीक है, और अगर हमने भाई साहब यहाँ पे ऐसा येलो लाइंस खींच दिया है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग बॉयज। ये हो गया भाई साहब का ग्राफ, सब डिवाइडेड बाय ग्राफ। ठीक है, दैट्स हाउ यू आर बेसिकली गोइंग टू ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। इन द फॉलोइंग टेबल द ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 2017 इन फोर टाउन्स इज गिवन, शो द डेटा विद द हेल्प ऑफ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। इस बार दूसरा ग्राफ उठाते हैं भाई साहब, चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट। एक काम करते हैं भाई साहब, तब तक परसेंटेज बार ग्राफ, चलो इसको करते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ बार ग्राफ, ये कौन सा बार ग्राफ हो जाएगा? ये सब डिवाइडेड नहीं होगा, ये परसेंटेज बार ग्राफ होगा, क्योंकि देखो टोटल कितना आ रहा है 100%। ठीक है, सो दिस विल बी परसेंटेज, दिस विल बी परसेंटेज बार ग्राफ, दिस विल बी परसेंटेज बार ग्राफ। हाउ मच? हाँ, सब डिवाइडेड और परसेंटेज में ये फर्क है कि परसेंटेज में सबका जो एंड पॉइंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, सब डिवाइडेड में आपका ऐसा नहीं होगा, देखो एंड पॉइंट आपका सेम नहीं है, यहाँ पे देखो एंड पॉइंट अलग अलग है, यहाँ पे भी देखो एंड पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, सब परसेंटेज बार ग्राफ में सबका एंड पॉइंट सेम होगा, सब सबके सब 100% पे गिने जाएंगे। ठीक है, हाउ मच इज द टूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजितास फार्म? तो टूर टूर ये हो गया आपका भाई साहब ब्लू में है और ये आपका व्हाइट में है, तो टूर प्रोडक्शन कितना है भाई साहब? हाउ मच इज द टूर प्रोडक्शन? तो ये हो गया भाई साहब 60% में। ठीक है 60%। ओके, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फॉर्म्स ऑफ यश एंड रवि। ठीक है, तो ग्राम मतलब आपका व्हाइट में है, तो यश का भाई साहब कितना है? ओ यश वर्ड, यस यस, ओ यस यस, चलिए भाई साहब यस जी बताइए ये कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, यश का कितना है यहाँ पे? यश का है भाई साहब आपका 50%, और रवि का, रवि का भाई साहब कितना है देखो? 70 से 100, तो मतलब 30 है। ठीक है, तो रवि का है भाई साहब 30%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? कंपेयर द ग्राम इन टर्म्स ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट हूज परसेंटेज प्रोडक्शन इज मोर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यशेस परसेंटेज प्रोडक्शन, यशेस परसेंटेज प्रोडक्शन इज मोर बाय हाउ मच? बाय बाय 20%। ठीक है क्लियर है?
उस परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ टूर इज द लीस्ट, सबसे लीस्ट किसका है भाई साहब, इसका है 40%, ठीक है। तो उस परसेंटेज प्रोडक्शन द टूर इज द लीस्ट, तो सुधास, सुधास परसेंटेज प्रोडक्शन, सुधास परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ टूर इज द लीस्ट, विच इज हाउ मच, विच इज हाउ मच, 40%, 40%, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेजेस ऑफ टूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म, तो सुधास फार्म में, सुधास फर्म में भाई साहब आपका टूर का प्रोडक्शन कितना है, हाँ टूर का प्रोडक्शन कितना है बोलो, टूर प्रोडक्शन दिस इज हाउ मच, 40%, ठीक है। एंड ग्राम प्रोडक्शन भाई साहब कितना है, ग्राम प्रोडक्शन इज 60%, ठीक है, क्लियर है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सवाल है भाई साहब। ओके ओके ओके, चलो ये वाला बना देता फटाफट फटाफट। इसमें आप याद रखिए परसेंटेज बार ग्राफ है, ठीक है, परसेंटेज बार ग्राफ में क्या हो जाएगा, सबके सब एक जगह पे एंड होंगे, ठीक है, सबके सब एक जगह पे एंड होंगे 100% पे, इजी है ये, ज्यादा बनाना इजी है, चलिए फटाफट फटाफट से बनाना है। अरे यार एक भी कायदे का, पांच है इसमें से, आठ है, इतना छोटा वैसा बिजी है, नहीं चलेगा भाई साहब, 100 चाहिए अपने को। अरे भाई साहब ऑनलाइन में कुछ अवेलेबल ही नहीं है, क्या करें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 नहीं होगा, 100 तक चाहिए, 100 तक चाहिए भाई साहब। टन 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 दस बीस, दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ, चलो उसको निकालते हैं, ओके। तो भाई साहब यहां पे
एक्स एक्सिस की प्लॉटिंग हो गई यहाँ पे भाई साहब वाई एक्सिस की, ठीक है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ना, तो आपका ये हो गया फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड इंक्लिनेशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे है आपका लेट से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 100, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे डाल दिया भाई साहब क्या दिस, अरे रुको ना भाई, रुक जाओ। सो ये हो गया क्या भाई साहब आपका परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज दिस इज परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है। और ये भाई साहब साइंस, साइंस परसेंटेज, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, स्कूल फर्स्ट सेकंड। तो हम 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल, स्कूल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके चलिए भाई साहब, ये हो गया आपके स्कूल्स। तो ये हो गया आपके स्कूल्स, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे पहले वाले स्कूल में 90 बच्चों ने इसमें दिखाया है और 60 बच्चों में इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्कूल का, ठीक है, फर्स्ट स्कूल का परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स शोइंग इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, इसको ऐसे टेबल बना देते हैं, ठीक इस सवाल को जरा अपना दिमाग पर लगाओ, करना क्या है, परसेंटेज ड्रॉ करना है। पहले इस परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए फटाफट फटाफट। सोचा
देखो यहां पे करना क्या है, पहले आप चलिए यहां पे इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम, ठीक है। तो आपका लेट्स से ठीक है फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। स्कूल पहला वाला स्कूल, सेकंड वाला स्कूल, थर्ड वाला स्कूल और फोर्थ वाला स्कूल, ठीक है। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है नहीं बनाओ चलेगा, बट आपका परसेंटेज बार ग्राफ सही होना चाहिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे साइंस और ये यहाँ पे कॉमर्स, ठीक है। तो साइंस में परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट स्टूडेंट, और कॉमर्स में कितने परसेंट स्टूडेंट, तो ये हो गया इंक्लिनेशन, ठीक है। इंक्लिनेशन मतलब रुचि दिखा रहे हैं, तो साइंस में कितना परसेंटेज होगा कोई बता सकता है? देखो ये इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस स्ट्रीम, तो 90 अपॉन 90 प्लस 60 150 इनटू 100, समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है इसको कर लो, कैंसलम कैंसलम, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 30, तो ये हो गया आपका कितना 30%, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉमर्स में कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, कितना होगा? अरे 90 टोटल स्टूडेंट्स यहां पे कितने हैं? नहीं टोटल स्टूडेंट्स 150 है, ठीक है। तो 60% होगा, 13 into 2, तो ये हो गया आपका 60%, समझ में आ रहा है? ये तो आपके कॉमर्स में कितने दिखाएंगे इंटरेस्ट? हाँ 40 ना भाई साहब, 60% इसमें दिखा रहे हैं तो बाकी के उधर दिखाएंगे, तो 40% उसमें दिखाएंगे। इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर कैलकुलेशन आप वाकई में करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो 60 upon 150 into 100 करेंगे, अगर कैंसलम कैंसलम, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 हो गया 20, तो ये हो गया 40%, ठीक है। ओके तो ये कितना हो जाएगा, 60/80, ये हो गया आपका 60/80 into 100, कैंसल कैंसल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 15 जा 15, 5 जा, कितना हो गया ये 75%, ये कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 25%, ठीक है। ओके थर्ड वाले में आइए, देखिए 25 25 50 है भाई साहब, इसका विदाउट कैलकुलेशन लिख सकते हो क्या इसमें? इसमें अरे भाई साहब इसमें फटाफट देखो 50% ना भाई साहब, आधा आधा है 25 25%, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका विदाउट कैलकुलेशन भी तुम डाल सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो भी वही आएगा 50% इसका 50% इसका। इसमें भाई साहब बताओ कितना हो जाएगा, 16 और 24 दोनों का टोटल कितना आ गया 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 16/40 into 100, कैंसिल कैंसिल, 4 4 जा 16, ये कितना हो गया भाई साहब 40%, अगर ये 40% हो गया तो ये बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। अभी आप बार ग्राफ ड्रॉ कीजिए भाई साहब। तो स्कूल नंबर वन, स्कूल नंबर वन में क्या है भाई साहब, स्कूल नंबर वन में है आपका, स्कूल नंबर वन में है आपका 40% 100% पहले इसमें ड्रॉ करेंगे, यहां पे स्कूल नंबर वन बता दिया आपने, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका स्कूल नंबर टू, सब में 100% होगा, परसेंटेज बार डायग्राफ है। ये हो गया भाई साहब आपका स्कूल नंबर थ्री, ये हो गया भाई साहब आपका स्कूल नंबर फोर, ठीक है क्लियर है। तो अभी इसमें आपका वन पे कितना है 40%, वन पे है 40%, तो ये हो गया 40%, ठीक है। ये है 25%, 75% ना, तो 75 मतलब यहां पे ये 70 और 80 के बीच में, ये हो गया 75%, ठीक है भाई साहब। अरे भाई साहब बोलो, ठीक है ये 50% 50%, तो भाई साहब बीच में एकदम बराबर 50%, 60%, ये 40% है भाई साहब,
है, ये हो गया स्कूल नंबर टू, ठीक है, ये हो गया भाई साहब स्कूल नंबर, ज्यादा ड्राइंग वराइंग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल डिफरेंस लगना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्राफ पेपर में ही डाल दोगे, ये वाला जो है आपका, जहां पे भाई साहब आपने ऐसे काले काले कलर्स ड्रॉ किए, इसको ऐसे इसमें दिखाना पड़ेगा यार। चलो यहाँ पे दिखाते हैं, चलिए ये हो गया आपका, क्या दिस विल बी, अगर ब्लैक है ये, अगर भाई साहब ब्लैक है तो ये हो गया आपका साइंस, ठीक है। ये आपको ग्राफ पेपर में, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ग्राफ पेपर में ये बताना पड़ेगा, दिस इज बेसिकली फॉर साइंस, एंड 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 दिस इज फॉर, ये हो गया साइंस का, और ये हो गया भाई साहब आपका कॉमर्स का, ठीक है, दिस इज फॉर कॉमर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ परसेंटेज बाय बार ग्राफ, परसेंटेज बार ग्राफ में सबका लेवल एक होगा, ठीक है, ओके ओके ओके, परसेंटेज बार ग्राफ, चलिए फटाफट से बनाना है इसमें। हो गया, पहले तो आप टेबल बना लो भाई साहब यहां पे, ठीक है, ये बन गया भाई साहब आपका टेबल, ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी, ये हो गया ए, ये हो गया भाई साहब आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया ये भाई साहब, ठीक है, ओके। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपको यहां पे देना पड़ेगा ग्रेड ए, और ये है भाई साहब डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड एट, ओके, एट ए बी सी डी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल ग्रेड ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको कैसे दिखाओगे भाई साहब, ग्रेड ए कितने को मिला है और ये कितना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है ना, ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग स्टूडेंट्स का हो जाएगा भाई साहब, अरे ग्रेड ए कितने को मिला है, 45, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है नहीं, लेकिन तुम्हारा जो परसेंटेज निकलेगा वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स का निकलेगा ना, तुम जब बार ग्राफ बनाओगे तो ग्रेड ए को तुमने मार्क किया 100% का बनाओगे, तो बाकी का जो होगा वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स का हो गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे ये कितना है, ये परसेंटेज कितना है, 45 बाई टोटल 60 × 100, 15 3 = 45, 15 4 = 60, 425, तो ये कितना हो गया 75, रिमेनिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इधर आते हैं 33 बाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 55, ठीक है, × 100, 11 3 = 33, 11 5 = 5, 20 = 23 = 60, तो ये हो गया 60%, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 40%, ठीक है, यहाँ पे आपका 10 upon total 40, ध्यान देना यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, ठीक है, तो टोटल आपका 40 है × 100, तो आपका ये कैंसिल कैंसिल, 2 2 = 4, 425 = 100 होता है, 425 = 100, तो ये हो गया आपका 25%, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा 75%, यहाँ पे आपका 15 upon 75 × 100, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 5 = 25, 3 1 = 3, 3 5 = 15, 5 20 =, तो दैट विल बी 20%, और दिस विल बी 80%, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, हाँ सर,
तो भाई साहब फटाफट से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे इस लाइन में है और इस लाइन में हमने ग्राफ्स को ले लिया, वे टेकिंग ग्राफ्स इन दिस वे। ओके डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड ए, तो ये हो गया आपका ए बी, ठीक है ए बी सी एंड डी। ए में तो आपके सब में 100% होगा, ठीक है, सो दिस विल बी ए, दिस विल बी बी, दे यार हर्ट ठीक है भाई साहब, ए बी सी डी, ठीक है तो अपन यहां पे ड्रॉ कर देते हैं पहला ए, फिर हो गया भाई साहब बी, देन वी हैव सी एंड देन वी हैव डी, ठीक है सो ये हो गया आपका ए बी सी डी, ये हो गया आपके क्या डिवीजन ऑफ स्टैंड, ठीक है ये हो गया आपके डिवीजन ऑफ एट स्टैंडर्ड, ठीक है क्लियर है। ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो दिस विल बी बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके भाई साहब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है क्लियर है, इसमें आपने प्लॉटिंग की हुई है। ओके अभी यहां पे ग्रेड ए वाले स्टूडेंट्स, ग्रेड ए वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 75%, ठीक है तो 75% पर मार्किंग तो की नहीं हमने, हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया आपका 100, 75% मतलब यहां पे आ रहा है देखो 75%, तो आपका भाई साहब 75% 70 और ये 5 यहां पे आ गया भाई साहब 75%, ठीक है फिर इसका कितना है भाई साहब 60%, तो इसका है भाई साहब आपका 60%, ठीक है इसका हो गया आपका 25%, 25%, इसका भाई साहब आपका 20%, 20%, ठीक है क्लियर है। ओके तो आपका भाई साहब यहां पे हाँ पेंट कर रहा हूं भैया मैं, अच्छा इधर करना था बहुत, ठीक है क्लियर है। ओके तो अभी आप इसमें भाई साहब ग्राफ में बता दीजिए, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आपका ये वाला हो गया क्या, आपने जहां पे कलरिंग दिखाई है, यहां पे आपने कलरिंग दिखाई है, दैट विल बी फॉर ग्रेड ए स्टूडेंट्स, ठीक है तो नंबर सिक्योरिंग ग्रेड ए, ग्रेड ए स्टूडेंट्स, ठीक है और जहां पे आपका भाई साहब ब्लैंक है, यहाँ पे आपका भाई साहब ब्लैंक है उसको अपन क्या मानेंगे बोलो, ठीक है रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ये ग्रेड ए स्टूडेंट्स हो गए और ये रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हो गए, क्लियर है। ओके ओके ओके
चलो भाई साहब, सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है, परसेंटेज नहीं निकालना है यहाँ पे, सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है। चलिए फटाफट फटाफट, डन डन डन। इन द फॉलोइंग टेबल डेटा ऑफ द ट्रांसपोर्ट मींस यूज्ड बाय स्टूडेंट्स इन 8th स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एन होम एंड स्कूल। तो आपका देखो यहाँ पे मींस ऑफ कम्युनिकेशन, साइकिल 3250 750। बाय द वे जो लोग भी साइकिल लाते हैं भाई साहब, बाहर अगर आप रख रहे हैं तो उसको ताला लगा कर रखिए, कल फिर से साइकिल चोरी हुई और मैं बोल बोल के थक गया। मैं देखो जब अंधेरा रहता है तो दिखता नहीं है ना भाई साहब, मेरे को भी किसी को भी नहीं दिखता है, वो साइकिल कोई भी लेकर जाएगा। तो प्लीज इंश्योर दैट द साइकिल्स आर लॉक। आपका लॉक है? लॉक है तो कुछ नहीं होगा। और वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है भाई साहब, देखें हम 3 बार साइकिल चोरी हो गया यहां से, उस बाहर लॉक करके रखिए, ठीक है, मेक श्योर यूर लॉक साइकिल 3250, बस एंड ऑटो 750, ऑन फुट 1000, 1500, 500 और 1000, 1250, 500 एंड 500। सो दीज आर बेसिकली द स्टूडेंट्स, ठीक है। आप 1 सेंटीमीटर को 500 स्टूडेंट्स ले लीजिए और स्टार्ट भी वैसे ही कीजिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को 500 स्टूडेंट्स देना है और यहाँ पे भाई साहब ऑन फुट कितना, तो आपका जो ग्राफ रहेगा वो कैसा दिखेगा, देखो जैसे समझ लो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे आपने ग्राफ की प्लॉटिंग की हुई है, ठीक है, किसी एक को उठा लेते हैं जैसे पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न है, तो लेट्स से ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, ऐसा है, ठीक है। और भी जाएगा भाई साहब, ये लेट्स से हम इसको थोड़ा और नीचे कर लें। अगर मैं आपको एक ऐसा ही रफ अंदाजा दे रहा हूं कि कैसा आपका ग्राफ दिखेगा यहां पे, ठीक है। सो लेट्स से यहां पे हो गया आपका 500, ये हो गया आपका 1000, ये हो गया आपका 1500, ये हो गया आपका 2000, 2500, 3000, 3500, ऐसा करते करते ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। अभी यहां पे लेकिन यार ये फिर भी नहीं हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 500 मतलब मेरा पूरा और भी ग्राफ जाएगा। अफ ये हो गया 500, 1000, 1500, 2000, 2500,
3,500, 4,000, हाँ बोलिए, 4,500। आप बोल रहे हैं मैं इतना क्यों जा रहा हूं, है ना, इसलिए जा रहा हूं कि यहां पे आपको टोटल करना पड़ेगा। टोटल कितना आ रहा है? 0, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 1 4 5, देखो 5,000 तक आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा एक्चुअली में ये पैटर्न का ले रहे हैं, लेट से, ठीक है, ये पैटर्न का ले रहे हैं अपन, तो ये 5,000 तक तुम्हारा ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, ये आ गया आपका 5,000 तक। बहुत हंसी आ रही है। 3,250, ठीक है, 3,250 कहां तक होगा भाई साहब? जो कहीं करना है तो घर पे जाके करना है यार। 3,250 ये हो गया आपका, 3,250 ये हो गया आपका। अभी इसके बाद है आपका 750, तो 3,250 पे, 3,250 पे अगर आप 750 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बोलो? 0, ये 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 8 9 110, 3 प्लस 1 4 4,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब 4,000, यहां तक 4,000। ठीक है, और ऑन फुट आपका ऑटोमेटिकली 1,000 हो जाएगा। तो आप इसको लेट से शेड अगर कर देते हैं, ठीक है, तो लेट से हमने इसको शेड किया ऐसे, ठीक है, फिर भाई साहब बस एंड ऑटो को हमने दूसरा कलर डाल दिया, लेट से ठीक है। सो आप भाई साहब इसको ग्राफ में कैसे लिखेंगे? ग्राफ में ऐसे लिखेंगे, दीज आर द 3 कलर्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा ऑन फुट, दिस विल बी ऑन फुट। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब बस एंड ऑटो, ये हो जाएगा आपका बस एंड ऑटो, दिस इज बस एंड ऑटो। ठीक है, और भाई साहब ये वाला क्या हो जाएगा? बस एंड ऑटो, ये वाला हो जाएगा भाई साहब आपका साइकिल, 3,250। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली साइकिल। ठीक है, क्लियर है? ये यहां पे आप लिख दोगे भाई साहब टाउन है ये, सो लेट्स से इस टाइप पे आपने बना दिया यहां पे, ये हो गया आपका टाउन, दिस इज टाउन। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और इधर भाई साहब आपने बना दिया है, दिस इज बेसिकली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हो गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये हो गया आपका टाउन। ठीक है, और ये लेट्स से इधर पैटर्न, दिस इज पैटर्न हो गया ये। ओके, स्केल में डालेंगे आप क्या? वाई एक्सेस स्केल आपका कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स, ये आपका स्कूल स्केल हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस का डालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपका लाइन ग्राफ हुआ तब डालने की जरूरत पड़ती है। यहां पे क्या डालोगे भाई साहब? हर एक का तो आपने एक बॉक्स ले लिया है ना, तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहां पे डालने का। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब आप यहां पे बस एंड ऑटो, ऑन फूड, ये सब डालेंगे, ऑल दीज विल बी देयर। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ये आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क। शाबाश, ये तो हो गया था भाई साहब, भी हो गया था। तो ये वाले बाकी का यहां पर सिर्फ मैंने पैटर्न का ही बनाना है, ये वाला और चला इसका भी भाई साहब बाकी का होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, आर वी क्लियर हम ऑन दिस वन? हम पेपल, हम बाकी का तो हो गया है।